भारत माता की। मेरे नौजवान खिलाड़ी साथियों, बहनों, आज आप सबके चेहरे पर खुशी है कि आप खेल के मैदान में अपनी गांव की प्रतियोगिता से शुरू होकर विधानसभा की प्रतियोगिता तक आपने ये खेल के मैदान के अंदर अपनी प्रतिभागी के रूप में एक सक्रिय भागीदारी निभाई। मैं जब नौजवानों को देखता हूं तो देखता हूं उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा है, नया चिंतन है, नई सोच है, नया जोश है, नए सपने हैं, नई आकांक्षाएं हैं। और नौजवानों में जब खिलाड़ियों में देखता हूं तो खिलाड़ियों में जोश के साथ आत्मविश्वास है और उस संकल्प को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और इसीलिए जो खेल के मैदान में खिलाड़ी आता है वह हमेशा आत्मविश्वास ही होता है, वह कभी हारता है कभी जीतता है, लेकिन मन से कभी नहीं हारता। हर हार उसमें नए आत्मविश्वास नई ऊर्जा पैदा करती है और यही खिलाड़ियों की विशेषता होती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि गांव के अंदर जब हम परंपरागत खेल खेलते थे, जब हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे, संसाधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी परंपरागत खेल के माध्यम से खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को जीतकर भारत का नाम रोशन करता था। आज गांव में कुछ संसाधन हुए हैं और गांव के अंदर नए खेलों के साथ नया नौजवान भी मैदान में आया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में रहने वाला नौजवान वह किसी न किसी खेल के मैदान में आना चाहिए, वह कोई न कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। जो नौजवान होता है और खेल के मैदान में आता है, तन से स्वस्थ रहता है, मन से स्वस्थ रहता है और उसकी आंतरिक ऊर्जा भी ज्यादा होती है। नहीं तो डॉक्टर 40 साल 50 साल बाद कहेंगे कि 4 किलोमीटर घूमो 5 किलोमीटर घूमो। अगर हमें मन से स्वस्थ रखना है, शरीर से पुष्ट रहना है, अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना है, सपनों पूरा करने का लक्ष्य पैदा करना है तो खेल के मैदान में जरूर आओ। अब हमारी बहनें बैठी है, इनके चेहरे पे कितना आत्मविश्वास है। ये उन बहनों से अलग है जो खेल के मैदान में नहीं आती। वह पढ़ाई करेगी तो लगन से करेगी, पढ़ाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास से काम करेगी, सपने बड़े देखेगी और सपने बड़े देखने के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी सामर्थ्य और शक्ति लगाएगी। और यही नौजवान साथियों, आप सब गांव में एक माहौल बनाने का प्रयास करो। ये सांसद खेल महोत्सव भी हर गांव में उत्साह से कोई ना कोई खेल के मैदान में खेलना चाहिए।
कोई क्रिकेट के लिए, कोई कबड्डी के लिए, कोई बास्केटबॉल के लिए, कोई फुटबॉल के लिए, कोई खो खो के लिए, कोई तीरंदाज देखे, कोई रस्साकसी खींचे। मैं दो दिन पहले केशवपाटन में गया था तो केशवपाटन की रस्साकसी के अंदर जो टीम जीती वो उस गांव की टीम थी जो कभी उस महिलाओं ने कोई खेल के मैदान में जिंदगी में नहीं आई थी। लेकिन साड़ी पहनने के बाद भी पूरी ग्रामीण वेशभूषा में भी उनके शरीर की ताकत उन्होंने रस्सी खेलकर जीतकर पूरे देश को बताया, पूरे हाड़ौती को बताने का काम किया। मैं भी चाहता हूं मेरे हाड़ौती का खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करे, हाड़ौती का खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में जाए, हाड़ौती का खिलाड़ी ओलंपिक में नेतृत्व करे, हाड़ौती का खिलाड़ी वर्ल्ड खेल में नेतृत्व करे और भारत का झंडा तिरंगा झंडा ले रहा है। अरे गांव से निकला खिलाड़ी एक दिन दुनिया के अंदर भारत का नेतृत्व करेगा और इसीलिए गांव के अंदर उस खेल प्रतिभाओं को ढूंढने का काम इस खेल महोत्सव से हम कर रहे हैं। जो खिलाड़ी यहां पर निकले हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले, उनको खेलने की और सुविधाएं मिले और संसाधन मिले ताकि गांव का खिलाड़ी बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। मैं आप सबको आज शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जो आज जीते हैं और जो आज नहीं जीते हैं वो जीत के लक्ष्य के साथ पूरे वर्ष भर काम करेंगे। जब वर्ष भर बाद हम फिर खेल महोत्सव कराएंगे तो अगली बार वो जीत कराएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।